आज हम व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन एसआई सिस्टम, ये क्वेश्चन है और इसमें फोर्स, वेलोसिटी, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी के हमें यूनिट्स निकालनी है एसआई सिस्टम में। कैसे निकालेंगे? फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे आते भी हैं। जैसे फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं। इसको अगर इसका सोल्यूशन होता है तो हम इसको ऐसे एफ इक्वल टू एम ए, मास की यूनिट क्या होती है केजी, और एक्सेलरेशन की होती है मीटर, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका फार्मूला हमने लास्ट वीडियो में, इसको इम्पोर्टेंट फार्मूला हमने मेंशन करे थे, उसमें हमने एक लिस्ट दी है, आप उस वीडियो में उसको देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। तो अभी हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की यूनिट रख रहे हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी, इसको हम न्यूटन बोलते हैं, फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन में होती है, तो हम इसको न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे न्यूटन या कैपिटल एन में, ये इसकी यूनिट होती है। इसको हम केजी मीटर सेकंड माइनस सेकंड टू द पावर माइनस टू, ये इस तरह लिख सकते हैं। इसका मतलब न्यूटन होता है क्योंकि फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन में होती है, और कैपिटल एन से इसको डिनोट करते हैं। फॉर्मूला इसका ये होता है। तो इस तरह के फॉर्मूला बेस अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम फॉर्मूले के बेस पे हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको हम लोग इस तरह करते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो स्पीड होती है, और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। स्पीड की यूनिट होती है मीटर, और टाइम की होती है सेकेंड। तो हम इसको, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर सेकेंड टू द पावर माइनस वन, ये इसकी यूनिट होती है। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर सेकंड टू द पावर माइनस वन, हम इस तरह इसको लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डी इज इक्वल टू मास हमारा वॉल्यूम, इस तरह से हम लिखते हैं। और मास की वैल्यू होती है केजी किलोग्राम अपॉन, और वॉल्यूम की हमारी यूनिट होती है मीटर क्यूब। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं केजी मीटर टू द पावर माइनस थ्री। तो ये हमारी डेंसिटी की यूनिट है, ये हमारी वेलोसिटी की यूनिट है, ये हमारी फोर्स की यूनिट है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वॉटर। है तो दोनों ही डेंसिटी, तो हमें पता है रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है? डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? ये होती है। तो डेंसिटी सब्सटेंस की हो या वाटर की हो, यूनिट तो सेम ही होगी। तो यहां पे हम इसकी यूनिट लिखते हैं किलोग्राम मीटर, और ध्यान से देखिएगा मीटर, यही यूनिट होती है डेंसिटी की, तो हमने ऐसे लिखा। तो यहां पे एक पॉइंट मेंशन है, सिंस रिलेटिव डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर यूनिट, चूंकि इनकी यूनिट सिमिलर है रिलेटिव डेंसिटी की, इट हैज नो यूनिट ऑफ इट्स ओन, इनकी अपनी कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये आपके फॉर्मूला, आज ये जो क्वेश्चन था इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड हमने जो इम्पोर्टेंट फार्मूला का वीडियो, वो मेरा पहला वीडियो, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं।